भारत की जीडीपी 7.6 फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है। विकास दर में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा एक बार फिर से भारत के ही नाम रहा है। इंडिया इस समय एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की है। इस इकॉनमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, डायस्पोरा उनका स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है उनकी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनकी, और दूसरा इस वक्त जो है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका की नजर में है और उसको कंटेन सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। Now, Prime Minister Modi posted on social media platform X, the GDP growth numbers for the quarter two display the resilience and strength of the Indian economy in the midst of such testing times globally. आप लोग कई ट्रिलियन कर्जे में चल रहे हैं, पाकिस्तान पूरा तो 4 ट्रिलियन रीच किया है, उसके लिए बहुत मेहनत लगी है, उसके लिए बहुत इफर्ट किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली है। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। But there was one bright spot. India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6% उन्होंने ग्रोथ किया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, क्वार्टर टू का जो रिपोर्ट आई। देखें इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है। सारे ऐसे देश है जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये तो मेहनत थी ना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जो उन्होंने सिर्फ भारत को रिकवर नहीं किया बल्कि अपने बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन को भी और खूबसूरत बनाया है और बड़ा किया है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आईएमएफ की तरफ से एक आंकड़ा आया जिसको सुन के खास करके भारत के दुश्मन देश है वो परेशान हो गए, क्योंकि दोस्तों इस साल 2023 में अभी तक जितने भी देश हैं उन सभी के तुलना में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है पूरे साल वो 7.6% है, जो कि यूएसए, जर्मनी, यूके, जितने भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर ले, चाइना, इन सब के तुलना में ज्यादा है। और दोस्तों अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो भारत की अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द जर्मनी एज वेल एज जापान को भी पीछे छोड़ देगी आने वाले 3 सालों में। अनुमान लगाया जा रहा था कि 2030 तक भारत जो है तीसरे नंबर पे पहुंचेगा, लेकिन अगर इस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है भारत की तो आने वाले 3 सालों में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अगर 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रहती है। दोस्तों ये खबर सुनकर पाकिस्तान में मातम फैल गया और मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े चैनल्स पे, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे ये डिबेट हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे 10 साल में मैजिक चलाया कि भारत जहां 15वें-12वें इस स्थान पे था इकोनॉमी में, डायरेक्ट तीसरे पे आने वाला। इंडियन स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन रीच 4 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहीं पर आप लोग आई थिंक 89 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग तो बोलिएगा नहीं और हाँ में हाँ भी नहीं कीजिएगा या उसको करेक्शन भी नहीं कीजिएगा, मोर और लेस 89 ट्रिलियन आप लोग कर्जे में है, और अगर आप लोगों ने कर्ज वापस नहीं किया तो उस पर भी आपको परिणाम जो है पाकिस्तान को वो बहुत बुरा मिलने वाला है, बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी सरकार जो है वो काकर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कड़कड़ा कड़कड़ा करके वो सब जगह भीख मांग रहा है। पहले नवाज शरीफ ने मांगा, उससे पहले इमरान खान ने मांगा, उससे शहबाज शरीफ ने मांगा, आप कड़कड़ा कड़कड़ा करके काकर मांग रहा है पर भीख भी नहीं मिल रही है। पर वी आर वेरी थैंकफुल के हमारे भारत में एक ऐसा अवतार है भगवान राम का, एक ऐसी ब्लेसिंग है कि कोविड-19 के बाद सबको ऐसा लगा था, हर किसी को ऐसा लगा था कि हमें उभर कर आने में या बाकी देशों को भी उभर कर आने में बहुत समय लगेगा, बट टच वुड जितना भी भगवान राम का मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा कि हमारा कोविड-19 का सिनेरियो और सिचुएशन उस वक्त भी बुरा नहीं था और बहुत जल्द भारत रिकवर किया और आज वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट की जो है वो 4 ट्रिलियन को पहली बार टच कर चुकी है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये एफर्ट का नतीजा है। हम पूरे साल पढ़ते हैं ना तो एग्जाम के वक्त रात में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इंडिया जो कि नेबर कंट्री है 7.6% ये जो उनसा रिकॉर्ड वो हुआ है उन्होंने ग्रो किया है, क्या कहना चाहेंगे उनकी जीडीपी पूरी दुनिया में? अगर चाइना की बात करें उस तरीके से नहीं ग्रो कर पाई, यूएसए उनकी मुकाबले में नहीं ग्रो कर पाया जितना उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में ग्रो किया है अपनी जीडीपी को।
देखिए कोरोना उधर भी, कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को अच्छा यूटिलाइज किया, ठीक है, जब ऑल कंट्री बैकफुट में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। पूरी दुनिया की बात करें जीडीपी के हवाले से, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं कोरोना के बाद खास तौर पे उनका जो ग्राफ है, जो ग्रोथ का ग्राफ है वो डाउन हुआ है। चाइना की अगर बात करें वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा, जापान की बात करें और भी बहुत से कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान में जो इस टाइम जीडीपी की कंडीशन है ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? ओवरऑल क्या वजह समझते हैं उनकी इकॉनमी का इस तरीके से ग्रो करना, और आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड बता रहा है या जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए वहाँ की जो आवाम है ना वो अपनी हुकूमत से मिलकर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, अब पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में एज अ हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे, वो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अब यही मेन है। सोच का फर्क कैसे आया, ये हमारी मतलब ये है कि प्रायोरिटीज का फर्क कैसे है कि उनकी प्रायोरिटीज है अपनी नेशन और हमारी प्रायोरिटीज, नो डाउट आप अपने पाकिस्तान से, मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर ग्रोथ की तरफ डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैंने इसलिए पहले कोरोना की बात की कि मतलब यह है कि यही कहा जाएगा कि भाई कोरोना की वजह से ये हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है, लेकिन उस कंट्री में भी दुनिया, पूरे दुनिया में कोरोना आया, तो वो कैसे मतलब क्या? अगर जब तक हम लोग एज अ नेशन ही सोचेंगे ना तो हम तरक्की नहीं कर सकते, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। जमीन आसमान का डिफरेंस है या नहीं है, नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि हम किसी भी सूरत में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? और जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते हैं ना, उनको एग्जाम के सुबह एग्जाम है और रात में बहुत मेहनत करके पढ़नी पड़ती है, और फिर भी वो कितनी पढ़ाई हो सकती है एक रात में, तो ये भी एक वजह है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ स्टॉक मार्केट पर तवज्जा दिया है या इकोनॉमी पर तवज्जा दिया है, उन्होंने छोटी से छोटी योजनाओं पर भी तवज्जा दिया है और बड़े से बड़े बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस पर भी उन्होंने तवज्जा दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान या उज्ज्वला योजना या शौचालय योजना पर तवज्जा नहीं दिया, उस पर भी उन्होंने तवज्जा दिया है, शौचालय योजना पर भी तवज्जा दिया है और भारत के झंडे को चांद पे भी लहराया है, तो छोटी से छोटी बात पर भी वो तवज्जा देते हैं। अब 41 मजदूर हमारे एक सुरंग में फंस गए थे, एक केव में फंस गए थे, उस पर भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री का तवज्जा था, उस पर भी वो धामी जी से जो उत्तराखंड के सीएम थे उससे हर वक्त फोन करके वो अपडेट लिया करते थे कि अब कहाँ तक पहुंचा, अब कहाँ तक पहुंचा और कितने दिन लगेंगे, जल्दी निकालो, उनके परिवार वाले हैं, तो छोटी से छोटी चीजों पर भी वो तवज्जा देते हैं। अब हमारे भारत के में जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अगर वहां पर बहुत घिनौने अपराध अभी भी भारत में उन राज्यों में हो रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो उन घिनौने अपराधों पर भी आवाज उठाने का काम ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। भारत में 28-29 स्टेट है, उस स्टेट में कई ऐसे स्टेट है, कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पर क्या वहां पर योजनाएं नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। क्या वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत की सरकार की योजनाओं का लाभ वहां के लोग नहीं उठा रहे? बिल्कुल उठा रहे, हर हाल में उठा रहे, मुद्रा योजना का लाभ पूरे भारत ने उठाया है। तो 4-5 ऐसे सरकार, ऐसे राज्य है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री की सरकार नहीं है, पर जैसे ही हम पाकिस्तान के किसी से भी बात करते हैं कि आपके यहाँ एसजीएम कॉलेज में 620 बच्चियों का कराची आईजीएम स्कूल में